बेटी बिना नहीं सजता घरों का बेटी। जी हाँ, सही कहा है किसी ने कि बेटियों को भी अगर हम पूरी आजादी दें, पूरी शिक्षा दें, तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो सम्मान न बढ़ा सके। मैं आज आपको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। में कोई डाउट नहीं है कि आज पूरे सिरसा शहर में आपको कोई भी सड़क पे कोई भी मेंटली चैलेंज लेडी या जेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट है इसका पूरा पूरा जो गुरविंदर जी को जाता है और इनकी संस्था को जाता है। साथ ही साथ मैं जो सिरसा शहरवासी और जो दानी सज्जन हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसी भी नेक कार्य के लिए सिरसा के लोग जो दान देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं और इस संस्था की जो ग्रोथ है उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। मैं क्या क्या बात बताऊं क्योंकि लगातार हम इनसे जुड़े हुए हैं। इनका पता अभी लास्ट स्टेज जिसे कि फोर्थ स्टेज कहते हैं उसमें सचिन बैठे हैं, सामने बैठे हैं। इस जो भी कुछ संभव हो पाया है आप सभी के लिए, आपके सहयोग से संभव हो पाया है। मैं तो विशेषकर सिरसा के बारे लोगों में जहां भी जाता हूँ ये अवश्य कहता हूँ कि सिरसा के लोग श्री विजय कुमार पाटिया जो इन्होंने जिक्र किया तो श्री गुरदेव सिंह जी उनका सम्मान करना, उनके सम्मान को देखना मुझे क्या करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। उसकी इस बात को सुनकर के पार्टी को बहुत बड़ा इसके बारे आज भाई कन्हैया आश्रम की जो वार्षिक उत्सव है उस पे मुझे आने का मौका मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो ये भाई कन्हैया आश्रम बड़े छोटे हम्बल बिगिनिंग से ये शुरू हुआ आज बहुत बड़ी एक संस्था बनी है और जो मानवता की सेवा में पूरी तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं। मेरे कार्यकाल में जब मैं यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर सरसा था तो मैं गुरविंदर जी से मिला था और काफ़ी मुझे भी प्रेरणा इनसे मिली थी और मुझे आज देखने में खुशी होती है कि काफ़ी महिलाएं हैं जो मेंटली चैलेंज्ड लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, उनकी पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे सेवा करते हैं और ये रिहैबिलिटेट करके इनको घर में भी वापस यहाँ भेजा जाता है। तो मैं ही इनको शुभकामना देता हूँ कि इनकी जो सर्विस है ये पूरी तरह से बढ़े। Yes, sir.